दिल्ली में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब भ्रष्टाचार की जांच को लेकर जबरदस्त सियासी खेल चल रहा है। 21 संसदीय सचिवों का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि इस बीच कथित टैंकर घोटाले को लेकर अब अलग तस्वीर बननी शुरू हो गई है। एलजी ने शिकायत स्वीकार कर एसीबी को जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसमें शीला सरकार के दौरान कथित टैंकर घोटाले की जांच की बात कही गई है। लेकिन इसी मामले पर शीला दीक्षित से बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। वाटर टैंकर घोटाले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और शीला दीक्षित जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उस टाइम घोटाला हुआ था। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद शीला दीक्षित जी। शीला जी, आपके समय में एक घोटाला हुआ था, वाटर टैंकर घोटाला, 400 करोड़ के करीब का। ये आरोप है केजरीवाल सरकार ने, जो कपिल मिश्रा मंत्री हैं, उन्होंने रिकमेंड किया था और एलजी ने उसकी जांच के आदेश दिए हैं, एसीबी को जांच के लिए कहा है। नहीं, देखिए क्या आरोप लगे थे उस वक्त, तो कोई आरोप नहीं लगे थे। अब ये कौन है मिश्रा, मुझे नहीं मालूम क्या है वो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो लेट इट कम आउट। जब आएगा वक्त तो मैं उसका जवाब दूंगी, क्योंकि मैं ही अकेली नहीं थी उसमें, सब होते हैं, ऑफिसर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है एक आईएएस का, और बीजेपी का भी मेंबर होता है उसमें, और एमसीडी के भी मेंबर्स होते हैं, तो सब है, तो कलेक्टिवली पहले देख तो लूँ कि कर क्या कह क्या रहे हैं। ऐसे ही आपने कह दिया 400 करोड़ रुपए का घोटाला है, इतने बरसों क्यों नहीं आया भाई, वो अब क्यों आ रहा है, तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इतना ही मैं कहना चाह रही हूँ। कम रेट वाले जो जिन्होंने अप्लाई किया था उनको इग्नोर करके प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। नहीं है भैया, मुझे इतनी पुरानी बात याद नहीं है, वो टैंकर्स अच्छे थे, टैंकर स्टील के थे, आज भी वो टैंकर्स चल रहे हैं, इतना मुझे मालूम है, लेकिन बाकी कैसे हुआ था, क्या प्रोसीजर हुआ था, ये नहीं मैं। कपिल मिश्रा ने तो यहाँ तक कहा कि विधानसभा में कि मैं जेल भेज के रहूंगा शीला दीक्षित जी को। कपिल मिश्रा जी को कुछ कहना है कहने दीजिएगा, वो उनका अधिकार है, कहने पर बोलने दीजिएगा। लेकिन वो टैंकर आज भी चल रहे हैं, आपका कहना ये कि उसमें अगर खामियां थी तो क्यों चल रहे थे? देखिए खामियां थी या क्या थी, मैं कुछ इस पर कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। डिसीजन पूरी कलेक्टिवली लिया गया था, जिसमें बीजेपी के भी लोग बैठे हुए थे उस वक्त, आप आदमी का आदमी नहीं था, नहीं तो एक आप आदमी का मेंबर ऑफ असेंबली भी होता, एमसीडी के मेंबर्स भी थे, हमारे अपने वाइस चेयरमैन होते हैं, तो ये सब कलेक्टिवली डिसीजन लिया गया। आप मेरे ऊपर मिस्टर कपिल मिश्रा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं उनका ये कहना है कि एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है, जाँच बिठाई गई थी, उसमें ये सब चीज़ें सामने आई। रिपोर्ट तो वो दे देना, एसीपी को देखने दीजिए, मेरे पास भेज दें, मैं बताऊंगी क्या है फिर। ऐसे दीक्षित जी, एक सवाल ये है कि गोपाल राय के ऊपर भी आरोप लगे हैं, जो प्रीमियम बसें शुरू करने की बात थी उसमें, तो उसको लेके उन्होंने उनको इस्तीफा देना पड़ा, हालांकि वो कह रहे हैं कि हेल्थ ग्राउंड पे दिया, लेकिन 5-5 मंत्रालय आज भी वो संभाले हुए हैं। अगर हेल्थ रीजन होता तो 5 मंत्रालय क्यों रखते, ट्रांसपोर्ट ही क्यों जाता? देखिए ये उनका अपना निजी मामला है, क्या मिनिस्टर किसको क्या सब्जेक्ट दिया जाता है या किसको क्या कौन रिजाइन किस लिए करता है, ये उनका अंदरूनी मामला है, इसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। मैम, विजेंद्र गुप्ता जो बीजेपी के एमएलए, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल पिछले 1.5 साल से रिपोर्ट का दबाए हुए थे, उस जो ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी टैंकर घोटाले की, वो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ भी जाँच होनी चाहिए। वो कैसे दोषी हो जाएंगे जब वो मेंबर ही नहीं थे उस वक्त बाबा, आप आदमी पार्टी ही नहीं थी। अभी 1-1.5 साल की बात कर रहे हैं वो, क्योंकि जब से रिपोर्ट आई है उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। वो कार्रवाई क्यों नहीं, तो उनसे पूछे ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं आप।